जीवित अवस्था में गौवंश का 200 सेंटीग्रेड से अधिक उबलते हुए केमिकल युक्त पानी से चमड़ा उतारा जाता है। ऐसी क्रूरता उस गाय के साथ जिसको हम सभी गौमाता कहते हैं, हमारे सनातन धर्म वेद पुराण गावो विश्वस मात्रा कहते हैं, अर्थात जो संपूर्ण विश्व की माँ है, उस माँ की आज क्या दशा होती है वह किसी से छुपी हुई नहीं है। गौवंश को ऐसी भीषण भयावह पीड़ा से निजात दिलाने के पावन भाव से सन 2012 में महान तपस्वी संतों द्वारा रचनात्मक गौ सेवा महाअभियान श्री राघव गौधाम की स्थापना की गई। श्री राघव गौधाम में प्रतिदिन दर्जनों घायल, विकलांग, नेत्रहीन एवं समाज द्वारा अपेक्षित गौवंश लाए जाते हैं। श्री राघव गौधाम का द्वितीय मुख्य प्रकल्प कामतानाथ तीर्थ क्षेत्र के पहाड़ों में रह रहे तपस्वी साधु संतों एवं परिक्रमा मार्ग के फक्कड़ों को भोजन उपलब्ध कराना है एवं परिक्रमा मार्ग के वानरों के लिए फल एवं भोजन की भी व्यवस्था की जाती है। भीषण गर्मी में परिक्रमा मार्ग के दर्शनार्थी भक्तों के लिए शीतल पेयजल की भी व्यवस्था है। यह विभिन्न पावन सेवाएं आप सभी गौ सेवी भगवत भक्त जीव प्रेमियों के पावन सहयोग एवं मार्गदर्शन से ही संभव हो पा रही हैं। अतः आप सभी से विनम्र आग्रह है, गौ सेवा, संत सेवा, जीव सेवा के इस पावन प्रकल्प में अपनी सामर्थ्य अनुसार सहयोग प्रदान कर अच्छे पुण्य के भागी अवश्य बने। जय गौ माता, जय गोपाल।